तो फ़िलहाल मैं अभी हूँ बस स्टैंड पर और मैं अपने बस का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो मेरा ब्लॉग है, ये ब्लॉग है मेरा न्यू दिल्ली टू देहरादून बाय ट्रेन। तो मैं अभी बस का इंतज़ार कर रहा हूँ जो कि मेरे को लेके जाएगी रेलवे स्टेशन निज़ामुद्दीन, और वहाँ से जो मेरी जर्नी होगी देहरादून की वो स्टार्ट होगी। तो आप सब का फिर से स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है टाइम टू ब्लॉग, और आप इस वीडियो के एंड में ज़रूर बने रहिएगा और मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक पार्ट है मेरा बाई बस जो कि मैं जाऊंगा रेलवे स्टेशन, और वहाँ से जो सेकंड पार्ट होगा वो सेकंड पार्ट स्टार्ट करूँगा मैं बाई ट्रेन की जो जर्नी आपको पूरी दिखाऊँगा। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, फाइनली मेरी बस भी आ चुकी है और अब मैं आपसे मिलता हूँ सीधे रेलवे स्टेशन, और फिर मैं वहाँ से आपको ट्रेन की जर्नी जो है वो आपको मैं दिखाता हूँ देहरादून तक की। तो चलिए पहले लेते हैं टिकट, और यहाँ से जो स्टेशन का किराया है वो सिर्फ 10 रुपया है, क्योंकि अगर बिना टिकट के अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपको फ़ाइन देना पड़ जाएगा। क्योंकि जब मैं पहले ट्रैवल करता था बस से तो जो फ़ाइन था वो 200 रुपये होता था अगर बिना टिकट के आप पकड़े गए तो, क्योंकि दिल्ली में किसी भी स्टॉपेज पर टिकट चेकर आपका टिकट चेक कर सकते हैं। तो मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, इसलिए मैं हमेशा टिकट लेकर चलता हूँ और आपको भी बोलता हूँ टिकट लेकर चलिए, क्योंकि टिकट रहेगा आपके पास तो आपका टाइम भी सेफ होगा और आपकी इज्जत भी बची रहेगी। तो हमेशा टिकट लेकर चला कीजिएगा। और दिल्ली में सबसे अच्छा चीज़ अरविंद केजरीवाल ने ये किया है कि जितनी भी लेडीज़ और गर्ल्स है उनके लिए फ्री है टिकट, बट जेंट्स और बॉयज़ के लिए फ्री नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैनेज हो जाता है अपना। तो अभी क्या हुआ, जब यहाँ से बस आगे चली तो जो मेरे ड्राइवर भैया थे इनको कैब देखी खड़ी थी। ये मेरे को बोल रहे हैं देखो कैसे लोग कैब खड़ी कर देते रास्ते में ही, बट एक अंकल आए और उन्होंने मेरे को बताया कि इसके अंदर जो ड्राइवर वो खाना खा रहा है। फिर मैंने अंकल को बोला अंकल छोड़िए चलिए, ये बेचारे दिन भर ड्यूटी करते हैं थक जाते हैं तो खाना खा रहे, तो चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद हम आगे निकल गए। तो पूरे रास्ते जो ड्राइवर भैया थे जो बस चला रहे थे, मतलब ये हर जगह मतलब कि रोकते गए और बताते कि इनका वीडियो बनाओ, ये गलत पार्किंग करते हैं, इनके चक्कर में बस से कुछ भी अगर एक्सीडेंट होता है तो सारा ब्लेम बस वालों पे आता। तो इनकी बात सही थी कि अनऑथराइज पार्किंग करके लोग मतलब कि अपना जाम बढ़ाते हैं, प्लस कुछ मिस्टेक हो जाए तो सारा ब्लेम बड़ी गाड़ियों पर करते हैं। तो इनकी बात भी ठीक है। तो इन्होंने मेरे को बोला कि सब वीडियो बनाओ, तो मतलब कि जर्नी में मैंने इनकी बात ही मानी और वीडियो बना रहा। आप देखिएगा वीडियो में कि मतलब मैंने कई जगह मतलब कि आपको दिखाया भी, और भैया ने बस रोक रोक के दिखाया इसकी वीडियो बनाओ। तो चलो कोई नहीं, क्या पता इससे जो लोग देख रहा हो वीडियो ये गलती ना करे, कहीं भी गाड़ी पार्क करके खड़ी ना कर दे तो जिसे दिक्कत ना हो। तो बस यही है। अब जैसे ही भैया ने इसको बोला ये देखो पिकअप वैन यहाँ खड़ी है, तो बोला इसकी वीडियो बनाओ, तो मैंने इसकी वीडियो बना दी। इसलिए बनाई कि हाँ गलत है, बट मे भी क्या पता किसी काम के लिए रुका हो चाहे गाड़ी बंद हो गई हो, तो चलो पता नहीं। बट हाँ, दिल्ली में आपको बहुत ऐसी जगह आपको मिलेगा जहाँ लोग ऐसी गाड़ी पार्क कर देते हैं, खड़ी कर देते हैं, ये गलत है। चलो कोई नहीं, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस है दिल्ली की, वो अपने आप मैनेज कर लेगी। तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ रेलवे स्टेशन, तो अब मैं यहाँ से आपसे मिलता हूँ सीधे स्टेशन में, और वहाँ से मैं शुरू करता हूँ जर्नी। तो आप प्लीज़ मेरे सेकेंड पार्ट को ज़रूर देखिएगा, उसमें और भी मज़ा आने वाला है।